हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें मैं बताने वाला हूँ सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक के बारे में। फ्रेंड्स आज जो मैं सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक के बारे में बताऊंगा वह इसकी डेफिनेशन है, इसकी वर्किंग है तथा इसका यूज है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हम ब्रेकिंग टॉर्क को हम निकालते हैं इसके अंदर जो अलग अलग कंडीशन रहती हैं, कौन सी कंडीशन, जो हमारा लीवर का फल्क्रम रहता है तथा जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है, उन दोनों के बीच में जो अलग अलग पोजीशन बनती है उसके अकॉर्डिंग हम जो ब्रेकिंग टॉर्क फाइंड आउट करते हैं, वह मैं सभी कंडीशनों पर आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूड मैकेनिक्स और थर्मल इंजीनियरिंग के बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, वह आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें डायरेक्ट जाने के लिए आप मोबाइल की स्क्रीन पर टच कर दें तो ऊपर राइट कॉर्नर में इकाई बना हुआ दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारी प्ले लिस्ट में पहुंच जाएंगे। वहां पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से जो प्ले लिस्ट बना रखी है उसमें क्लिक कर दें तो वहां से आप हमारे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अभी तक मैंने जो वीडियो डाले वह आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो सामने से जो टॉपिक लगा सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक, सबसे पहले इसमें हम ब्रेक के बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रेक हम जैसा जानते हैं जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स होती हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उसका यूज क्या करते हैं फ्रेंड्स, जब हमारी गाड़ी स्पीड में चलती है तब हम उसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या फिर गाड़ी को रोकने के लिए यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स जो हम डिफरेंट टाइप के ब्रेक होते हैं उसमें एक टाइप लेकर आया हूं मैं, सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक। अब इस सिंगल ब्लॉक का फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब होता है हम एक ब्लॉक यूज करते हैं, क्या करते हैं, एक ब्लॉक यूज करते हैं जो एक सॉफ्ट मटेरियल का बना रहता है, इसकी तुलना में जो हमारा व्हील होता है उसकी रिम की तुलना में, मतलब जिस पर हम इससे फोर्स डालते हैं या प्रेशर लगाते हैं उसकी तुलना में क्या करता है, जो ब्लॉक होता है वो सॉफ्ट मटेरियल का बना रहता है। अब फ्रेंड्स ये ब्रेक लगाता कैसे, कैसे यूज करते हैं इसका, इसका यूज फ्रेंड्स हम करते हैं कि जो हमारा व्हील्स का रिम होता है उस पर हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक से क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा रिम होता है और जो हमारा ब्लॉक होता है इन दोनों संपर्क में आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन होता है। जैसे ही फ्रिक्शन होता तो उनके बीच में क्या होता है, एक टेंजेंशियल फोर्स लगने लगता है। कौन सा फ्रेंड्स, टेंजेंशियल फोर्स, जिसके कारण वह फोर्स क्या करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है या उस गाड़ी को रोकता है। अब फ्रेंड्स यह टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, एक मूविंग बॉडी पर लगता है, मतलब जो बॉडी घूम रही है उस पर लगता है जब यह किसी दूसरे बॉडी के संपर्क में आती है, मतलब तो वहां पर क्या होता है, जो हमारा टेंजेंट होता है, मतलब एक दूसरे संपर्क में आएंगे तो जो टेंजेंट होता है एक पास जनरेट होता है उसी डायरेक्शन में यह फोर्स लगता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी यूज की। अब इसका यूज सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, जो रेलवे ट्रेन है, जो हमारी रेलवे रहती है, जो हमारी ट्रेन रहती है उसमें करते हैं, इसके अलावा ड्रम कार में भी करते हैं और भी अदर जगह यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम जो रेलवे का कि मैं जो यूज करते हैं उसका एक एग्जांपल बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, उसको जरूर देखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेलवे के क्या रहते हैं, पहिए रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये दिख रहा है ये ब्लॉक, ये दिख रहा है सिंगल ब्लॉक, यह क्या करता है, इस पहिए पे क्या करता है, प्रेशर डालता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण पहिए क्या होते हैं, रुकने लगते हैं, हमारी ट्रेन रुक जाती है या कंट्रोल हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरह इसका यूज करते हैं। अब ये तो एग्जाम्पल था, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हम डेरिवेशन निकालते हैं या जो हम ब्रेकिंग टॉर्क निकालते हैं उसके लिए हमें नॉर्मल 2D डायग्राम बनाना पड़ता है। तो उसकी पूरी जो वर्किंग मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको एक पूरा सिस्टम दिख रहा होगा, इसको एग्जाम में भी बनाना फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले क्या, एक व्हील है, दिख रही है एक व्हील है जो मूव हो रही है किसमें, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज मतलब सीधे हाथ पर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके ऊपर ये हमारा ब्लॉक लगा हुआ है जिसका यूज करेंगे हम इस व्हील को रोकने के। अब इसका पूरा सिस्टम बना रहता है, इसमें क्या होता है कि लीवर होता है, क्या होता है, लीवर होता है जिसे पैडल बोलते हैं, जो हम पैर से उसको फोर्स लगाते हैं, या इसका एक साइड क्या होता है, माउंटेड रहता है, जो कि क्या होता है, जो ऊपर नीचे मूव हो सकता है। तो फ्रेंड जैसे ही हम इस पर प्रेशर डालते हैं, क्या पड़ते हैं, यहाँ पर पैडल पर जो हम पैर से प्रेशर डालते हैं, मान लो मैंने फोर्स लगाया, तो ये ब्लॉक इस व्हील के क्या होते हैं, संपर्क में आता, कॉन्टेक्ट में आता, उससे क्या इस व्हील पर प्रेशर लगता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होने लगता है, उससे क्या होता है, भीड़ रुक जाती है। अब फ्रेंड्स जानते, जो कि हमने फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है उसके रूल से हम जानते हैं क्या होता है, जैसे ही संपर्क में आती तो उसकी परपेंडिकुलर दिशा में एक फोर्स लगने लगता है, एक रिएक्शन फोर्स बोलते हैं इसको, क्या होते हैं, रिएक्शन फोर्स, उसे RN से डिनोट करते हैं। वह जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होता है, कौन सा RN।
और जैसा मैंने बताया इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगने लगता है, एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है। अब फ्रेंड्स इसमें टेंजेंशियल फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और उससे हम ब्रेकिंग टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी मूविंग बॉडी बॉडी है उसके बीच में क्या टॉर्क जनरेट होता है, तो मैक्सिमम कितना टॉर्क जनरेट होगा वह हम आगे निकालते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि डेरिवेशन करते हैं उसमें सबसे पहले कुछ कंसिडर करते हैं, जो डायग्राम बनाया मैंने अभी वर्किंग बताई, इसमें मान लिया मैंने कि जिस जो लीवर है जहां पर पैडल होता है जहां पर फोर्स लगाते हैं वहां से जो फल्क्रम है वहां तक की दूरी मैंने क्या मान ली एल मान ली, और जो हमारी इसकी जहां पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है वहां से इस फल्क्रम की तक की दूरी कितनी मान ली मैंने एक्स मान ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पर जो फोर्स लगा रहा है उसको मैंने क्या मान लिया पी मान लिया, आर एन क्या है जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है फ्रेंड्स, जबकि आर क्या है ड्रम है उसकी रेडियस मान ली मैं, टू थीटा का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट सर्फेस ऑफ द ब्लॉक, मतलब एक जो एक साइड यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा फ्रेंड थीटा होगा, फिर इधर से यहां से यहां तक का भी एंगल कितना मान लिया थीटा मान लिया, टोटल एंगल कितना हो गया फ्रेंड्स टू थीटा हो गया। अब टू थीटा आप समझ लें जब भी हमारा न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछे तो जो भी थीटा की वैल्यू गिवन है उसमें टू का मल्टीप्लाई कर दें। अब इसके बीच में जब फ्रिक्शन होता तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता वो क्या मान लिया मैंने म्यू मान लिया, एफ टी क्या टेंजेंशियल फोर्सेस जो इस जब बॉडी कॉन्टेक्ट में आती है उसके कारण लग रहा है। अब फ्रेंड्स इस टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से हम जानते हैं क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से हम टेंजेंशियल फोर्स अपॉन क्या होता है या फोर्स अपॉन क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे हम निकालते हैं टेंजेंशियल फोर्स, उससे क्या हो जाएगा अगर म्यू को मल्टीप्लाई सीधा क्रॉस में कर दें तो क्या हो जाएगा एफ टी इजकल टू म्यू इंटू आर एन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो उसको मैं यहां लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स जैसा मैंने बताया जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसके फॉर्मूले से क्या हो जाएगा एफ टी इंटू म्यू इंटू आर एन। अब यहां पर हमें क्या निकालना होता है कि जो ब्रेकिंग टॉर्क कितनी जनरेट हो रही है, क्या हो रही है टॉर्क, क्योंकि मूविंग पार्ट है उस पर फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तो क्या जनरेट होगी ब्रेकिंग टॉर्क। अब जो ब्रेकिंग टॉर्क है अब टॉर्क बोले तो टॉर्क कैसे निकालते, सिंपल सी टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स होता है फोर्स इंटू रेडियस, जिस भी जो रोटेटिंग पार्ट है उस पर वाई टॉर्क जनरेट हो रहा है, क्या हो जाएगा फोर्स इंटू रेडियस। तो यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, जबकि रेडियस की क्या है इसकी आर है, तो जो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स इंटू रेडियस। तो यहां पर ब्रेकिंग टॉर्क की बात कर रहा है तो इसको टीवी से डॉटेड कर दिया, यहां पर इजकल टू क्या हो जाएगा एफ टी इंटू आर। अब फ्रेंड्स यहां पर एफ टी की वैल्यू मुझे पता है क्या म्यू इंटू आर एन होती, तो इस फॉर्मूले में एफ टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू आर एन। तो फ्रेंड्स यहां पर वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू आर एन इंटू आर। तो फ्रेंड्स आर एन क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा फोर्स जनरेट होता है, और जबकि आर क्या इसकी रेडियस है, म्यू क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, टीवी क्या ब्रेकिंग टॉर्क। तो फ्रेंड्स एक कॉमन फॉर्मूले इनके थ्रू हम अलग अलग पोजिशन पर जो हमारी फलक्रम इसको बोलते हैं फलक्रम फ्रेंड्स, ये होता लीवर, तो लीवर का फलक्रम है तथा यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स की लाइन है उसके बीच में जो अलग अलग कंडीशन पर जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स और जो ब्रेकिंग टॉर्क कैसे निकालते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, यह हमें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट स्टेप पर चलते हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहली जो कंडीशन है वो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है जो हमारा लीवर है उसका जो फलक्रम है और तथा जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स है उसकी लाइन वर्किंग लाइन और इसका जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे हो, मतलब दोनों की पोजीशन कैसी हो एक जैसी, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है उसी लाइन पर ए वाला पॉइंट हो, तो इसमें हम टेंजेंशियल फोर्स और ब्रेकिंग टॉर्क कैसे निकालते। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम टेंजेंशियल फोर्स निकालते, टेंजेंशियल फोर्स का कंसेप्ट होता है इसको हम मूवमेंट निकालते, क्या निकालते मूवमेंट के थ्रू निकालते, मूवमेंट मतलब जो हमारा फलक्रम का जो पॉइंट रहता है उसको उसके अबाउट हम मूवमेंट निकालते, कौन से जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स कौन से लग रहा है एक हमारा जो लीवर फोर्स लगा रहा है एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन, तो इस फोर्स के अबाउट इसकी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फोर्स के अबाउट यहाँ तक की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे हम निकालते हैं फ्रेंड्स। इसको हम निकालते हैं और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्या किया मैंने, जैसा कि लिख दिया टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट फलक्रम हो उस ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने पर, याद रखें इसमें अलग अलग कंडीशन होती है क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने एक ली जब एक क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में मूव कर रहा है, तो हम जानते हैं इसकी डायरेक्शन जो नॉर्मल फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऊपर को है, जबकि जो पी है उसकी क्या डायरेक्शन नीचे को है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हमने किया है फोर्स यहां तक की डिस्टेंस क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स से हो गया इसकी यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एल है, तो पी इंटू एल हो जाएगा, उसको मैंने यहां रख दिया। और जो नॉर्मल फोर्स है इंटू यहां से क्या इस ओ तक की डिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स एक्स है, तो ये आर एन इंटू एक्स हो जाएगा, तो उसको एक साइड रख लिया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए इक्वल रख दिया।
अब फ्रेंड्स हमें यहाँ आर एन निकालना, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई वैल्यू है वो कहाँ पहुंच जाएगी, पीएल के नीचे पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की, आर एन इक्वल टू एक्स नीचे पहुंच गया। अब जो हमारा नॉर्मल फोर्स है इसको कहाँ रखते हैं हम, जैसा ऊपर बताया था उसके लिए हम ब्रेकिंग टॉर्क में यूज करते हैं। ब्रेकिंग टॉर्क फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स टेंजेंशियल फोर्स इनटू क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी रेडियस। तो टेंजेंशियल फोर्स यहां पर रखते हैं हम, तो फ्रेंड मैंने क्या किया, ब्रेकिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला निकाला था टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू, टेंजेंशियल फोर्स क्या था, म्यू इंटू आर एन, आर क्या हुआ इसकी व्हील की रेडियस। ये फॉर्मूले को जो मैंने जस्ट ऊपर बताया हुआ था ब्रेकिंग टॉर्क और टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला, इसमें क्या होता है जो हम आर एन निकालते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन उसको यहां पर रख देते हैं। तो इसकी पीएल इंटू एक्स अगर यहां पर रख देंगे वैल्यू, तो हमारा जो आंसर बनेगा उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या देखा मैंने, वैल्यू पुट कर दी पीएल इंटू एक्स। अब इसको यहां पर वैल्यू रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की वैल्यू ऊपर रख लेंगे सही से और नीचे वाला डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर सही से लिख दिया यू पी एल आर अपॉन एक्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला बनता है, म्यू क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पी क्या होता है जो लीवर पर हम लोड लगा रहे हैं, एल क्या होती है जो हमारी लीवर से और लोड तक की डिस्टेंस होती है, आर क्या होती है रेडियस होती है, एक्स क्या होती है जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वहां से इस फलक्रम तक की दूरी होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम ब्रेकिंग टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क की यूनिट हम जानते हैं न्यूटन मीटर होती है। अब फ्रेंड्स हम जो पहली एक जो कंडीशन थी वो क्लॉकवाइज रोटेशन में थी, अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स पहली बात मैं बता दूं कि जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है उसका फॉर्मूला और जो हमारे क्लॉकवाइज रोटेशन है उसका सेम ही जनरेट होता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख के छोड़ दिए। सिर्फ मैंने जो एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा कंडीशन थी क्या होती है, जो हमारी टेंजेंशियल फोर्स है उसकी जो वर्किंग लाइन है तथा जो फलक्रम ओ है वह एक ही पोजिशन पे है और मूव कैसे कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम चेंज किया, दिख रहा होगा आपको कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब जो उल्टी घड़ी की दिशा में मूव होने लगा और सारी पोजीशन एक जैसी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो फ्रेंड्स यहाँ दोनों एक दूसरे इक्वल हो जाएंगे, सेम मूवमेंट निकालेंगे ओके अबाउट, सेम जो मैंने अभी बताया आपको सेम कंडीशन में हम इसी फॉर्मूले को निकालेंगे क्योंकि सेम फॉर्मूला निकालता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सेम फॉर्मूला निकाल के रख रहे हैं, आप सेकेंड केस पे चलेंगे, कौन से सेकेंड केस होगा यहाँ वो क्या होता है उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कंडीशन है कि जब टेंजेंशियल फोर्स की स्थिति उस फलक्रम पॉइंट से ए पॉइंट नीचे हो, मतलब ए कोई डिस्टेंस है उससे थोड़ा नीचे हो, उस टाइम हम क्या करेंगे, जो क्लॉकवाइज रोटेशन है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों के लिए हम ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहां सबसे पहले एक सिंपल उसी तरह निकालना है हमें कि इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या लेना, मूवमेंट लेना और जो फोर्स लग रहा है उनकी स्थिति देखना। तो यहां पर देखेंगे पहला जो फोर्स है वो पी है, पी की स्थिति इस पॉइंट के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी एल है, जबकि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट क्या है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, जबकि यहां पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स की के अबाउट इस ओ के अबाउट अगर डिस्टेंस देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रही है, ए हो रही है। इस तरह हम तीनों फोर्सों को ओ के अबाउट मूवमेंट लेंगे, उसके बाद इसका जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकलेगा उसको निकाल के ब्रेकिंग टॉर्क के फॉर्मूले में रखें। अब फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे ओ के अबाउट मूवमेंट ले रहा है, तो फर्स्ट फोर्स मैंने क्या रखा आर एन इंटू एक्स, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन किससे ऊपर को है और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स है, तो उसको मल्टीप्लाई करके रख लिया क्योंकि मूवमेंट ले रहा है। फिर प्लस किया एफ टी इंटू ए, एफ टी मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी क्लॉकवाइज रोटेशन में और इसकी भी कैसी डायरेक्शन क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो एफ टी हो जाएगा ए फोर्स, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी हुई ऊपर को होगी, तो ऊपर को यहां तक की डिस्टेंस देखेंगे तो क्या मानी ए, तो एफ टी इंटू ए हो जाएगा। फिर क्या करेंगे ए जो पी है इसकी डायरेक्शन कैसी नीचे को है, मतलब ए जो ऊपर को डायरेक्शन तो ये नीचे हुआ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा इस ए है अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो हम कैसा रखेंगे इक्वल के इस तरह, या माइनस रख सकते हैं लेकिन हमने इक्वल के सीधा इस तरह ले लिया, तो पी हो जाएगा इनटू यहां तक की ओ तक की डिस्टेंस कितनी एल है उसको रख देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने किया, इसकी आप याद रख के टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में रिम या जो हमारा भील रहता मूव कर रही उसी डायरेक्शन में लगा के रखें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसी डायरेक्शन में पाथ जनरेट होता है और जिस डायरेक्शन में पाथ जनरेट होता है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स लगता है। तो फ्रेंड्स अब यहां पर हमें आर एन निकालना है, तो इस वैल्यू को हम क्या इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, फिर इसके बाद आर एन इक्वल टू करेंगे तो एक्स कहां उसके पटे में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहां पर इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या किया मैंने, जो टेंजेंशियल फोर्स होता है जो मैं ऊपर बता चुका उसकी जो वैल्यू कितनी होती है जो कितना होता है म्यू इंटू आर एन, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसके बराबर।
तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करने के बाद एक कंडीशन बनती है फ्रेंड्स, यहां पर भी आर एन है यहां पर भी आर एन, तो आर एन को हम कॉमन ले सकते हैं। तो आर एन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, एक्स प्लस म्यू बचेगा ब्रैकेट के अंदर। तो फ्रेंड जैसा मैंने बताया आर एन कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर एक्स बचेगा और म्यू बचेगा इंटू ए, जो ए बचेगी जो कि डिस्टेंस है कहां से, टेंजेंशियल फोर्स से ओ तक की। अब यहां पर आर एन की हमें वैल्यू निकालना होता, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू निकालना होता, तो इसके मल्टीप्लाई में, तो ये कहां जो फोर्स और लेंथ डिस्टेंस है, जो प्रेशर और लेंथ, उसके जस्ट नीचे पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या किया मैंने, इस तरह आर एन की वैल्यू निकाली पी इंटू एल अपॉन एक्स प्लस म्यू। अब इस आर एन की वैल्यू जो हम हमेशा रखते हैं वो कहां रखते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क के फॉर्मूले में। वहां पर ब्रेकिंग टॉर्क का सबसे पहले हम फॉर्मूला रखेंगे, उसमें आर एन की वैल्यू पुट कर देंगे, उस तरह हमारा ब्रेकिंग टॉर्क निकल आएगा। तो फ्रेंड्स हम ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, म्यू इंटू आर एन इंटू आर, एक्चुअली क्या होता है टेंजेंशियल फोर्स इंटू रेडियस होता है। तो टेंजेंशियल फोर्स की हम वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू इंटू आर एन। अब आर एन की वैल्यू यहां पर जो हमारी गिवन है ए वाली, यहां इस आर एन की जगह हम पुट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं सिर्फ नॉर्मल क्या मैंने वैल्यू रख दी है आर एन की, जो यहां पर दी हमने निकाली हुई है, और इसको सिंप्लीफाई करके रख लिया, म्यू पी एल इंटू आर ऊपर रख लिया और एक्स प्लस म्यू ए नीचे रख लिया। तो इस तरह इस फॉर्मूले से हम ब्रेकिंग टॉर्क निकाल सकते हैं जब लाइन ऑफ एक्शन जो हो टेंजेंशियल फोर्स का वो ए पॉइंट नीचे हो। तो फ्रेंड्स अब इसकी हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है उसके लिए भी फॉर्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो कंडीशन लिखी हुई है वहां पर क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉक वाइज लिख लें, ठीक है, क्योंकि कंडीशन सेम ही है। अब दूसरा इसका डायग्राम में परिवर्तन कर लें कि जो हमारा रोटेशन था वो अभी क्लॉकवाइज था, लेकिन अब मैंने एरो दो को चेंज कर लिया, तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने जैसा बताया जिस डायरेक्शन में पास जनरेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स लगता है। अब इसकी पोजीशन में हमें सेम काम करना कि हमें इस ओ के अबाउट क्या करना, मूवमेंट निकालना। तो ए वाला फोर्स होगा पी, यहां तक की डिस्टेंस क्या एल हो जाएगी, और जो हमारा आर एन होगा एफ टी होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, एफ टी की डिस्टेंस ए हो जाएगी जबकि आर एन की डिस्टेंस एक्स हो जाएगी। तो इस ओ के अबाउट हम सबसे पहले मूवमेंट निकालते हैं, उससे हम क्या करेंगे जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसको फाइंड आउट करेंगे। अब फ्रेंड्स जैसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया था उसी तरह इसको सॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां देख रहा है फोर्स आर एन ऊपर की ओर लग रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी एक्स है, तो उसको रख दिया माइनस एफ टी। अब ए जो आर एन है ऊपर को लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब इसकी जो एफ टी है उसकी डिस्टेंस कैसी होगी, उस चेंज डायरेक्शन कैसी होगी फ्रेंड्स, चेंज हो गई है, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमने इसके साथ कैसा रख दिया, माइनस रख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। एफ टी इंटू मतलब फोर्स इंटू यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल, या इक्वल में लग रहा है, सेम ही लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो पी इंटू एल लिख दिया, मतलब फोर्स इंटू यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको हमें सॉल्व करना होता जैसा मैंने पहले भी किया था, एफ टी की सीधे वैल्यू रख देंगे और आर एन कॉमन ले लेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर सिर्फ मैंने जो टेंजेंशियल फोर्स था उसकी वैल्यू रखी म्यू इंटू आर एन। अब यहां पर दोनों में आर एन कॉमन है, तो आर एन कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस म्यू इंटू ए बच जाएगा, इक्वल में पी इंटू एल बचेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया ओनली कि आर एन को कॉमन ले लिया, एक्स माइनस म्यू ए बचा पी एल बचा। अब यहां पर आर एन निकालना है तो क्या होगा, जो इसके साथ जो मल्टीप्लाई वैल्यू है वो कहां पहुंच जाएगी, इसके जस्ट नीचे पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहा है मैंने आर एन निकाल लिया, क्या निकाल लिया पी एल अपॉन एक्स माइनस म्यू ए। एक्स आप जानते हैं जो कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वहां की डिस्टेंस है, जबकि ए टेंजेंशियल फोर्स है ओ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जबकि पी क्या है जो फोर्स लगा रहा है हम, एल क्या है ई फलक्रम तक की डिस्टेंस है उसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस आर एन की वैल्यू जैसा मैं ऊपर भी बता चुका हूँ सीधा हम कहाँ रखते हैं, जो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला उसमें रखते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग टॉर्क इक्वल टू होता है टेंजेंशियल फोर्स इंटू जो हमारी ड्रम है उसकी रेडियस। टेंजेंशियल फोर्स हम जानते हैं म्यू इंटू आर एन होता, तो उसमें आर एन की जगह हम क्या रख देंगे, जो वैल्यू ये निकाली हुई मैंने इसको रख देंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला रख लिया, उसमें आर एन की जगह क्या रखना इस वैल्यू को रख देते हैं ओनली, बस सिंप्लीफाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहां सिर्फ मैंने क्या किया, जो आर एन की जगह हमने इस वैल्यू को पुट किया है और क्या किया इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब म्यू आर एन ऊपर है तो ऊपर सही से रख दिया और नीचे की वैल्यू नीचे। तो इस तरह ब्रेकिंग टॉर्क निकाल सकते हैं जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा हो, जो हमारे ड्रम की पोजिशन है टेंजेंशियल फोर्स की लाइन है कितने ए डिस्टेंस नीचे हो। अब थर्ड कंडीशन है इसकी लास्ट कंडीशन है, उसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे। अब फ्रेंड जो थर्ड जो हमारा केस है उसमें क्या होता है, जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स है उसकी जो वर्किंग लाइन है ए वाली जो लाइन है वह है जो हमारा फलक्रम है इससे ए डिस्टेंस ऊपर हो, मतलब कोई भी डिस्टेंस होती है जब न्यूमेरिकल में आता है, लेकिन यहां पर क्या ए डिस्टेंस माने मानी है, तो ए पॉइंट सी कहां ऊपर ए डिस्टेंस हो
उस टाइम हमारा जो मोमेंट लेंगे इसके अबाउट, उससे हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से कैसे निकालते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क क्या निकलेगा ये देखते हैं। तो सिंपल सी वही सिस्टम है कि हम इसके अबाउट मोमेंट लेंगे, सारे फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो यहां तक की डिस्टेंस क्या ए हो जाएगी, जबकि आर एन जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस यहां तक की एक्स मान लिए, और पी से यहां तक की डिस्टेंस क्या मान ली, एल मान ली। तो सिर्फ ओ के अबाउट हमें मूवमेंट लेना है, और मैं समझाता हूं कैसे लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पर भी मूवमेंट लेंगे किसके, ओ के अबाउट। हम डायरेक्शन देखते हैं कि जो हमारा पी के फोर्स लग रहा है, जब ये ऊपर की स्थिति में होता है तो हमारे जब फोर्स पी और टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन एक जैसी मानते हैं, जबकि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसकी कैसी मानते हैं, अपोजिट मानते हैं। बस इतना समझ लिया फ्रेंड्स, जो मैंने ऊपर सेकेंड पोजिशन के लिए डेरिवेशन की उसमें सिर्फ हमें जो हमारे साइन है प्लस माइनस उसको चेंज करना, माइनस किएगा प्लस करना, प्लस किएगा माइनस करना। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, हमने नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स जैसा का तैसा रख दिया, फोर्स इंटू यहां तक की डिस्टेंस। अब इसकी वहां पर देखेंगे हमने क्या रखी थी, प्लस रखी थी, तो इसमें क्या हो गई, इसकी जब ऊपर की स्थिति में गया तो इसकी डायरेक्शन कैसी, अपोजिट हो गई, मतलब कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो हमने माइनस एफ टी इंटू ए रख दिया, मतलब फोर्स और यहाँ नीचे तक की डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो डायरेक्शन कैसी हो गई, इसकी अपोजिट हो गई, और यहाँ पर क्या होगा माइनस। पी एल की डिस्टेंस हमेशा हमने इक्वल में देख इसको लेके चलते, तो हमने फोर्स इंटू यहाँ तक की डिस्टेंस ले लिए, इन दोनों की डिस्टेंस एक जैसी है, क्योंकि इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ माइनस करके रख दिया। अब सिंपल हमें कैलकुलेशन सेम है, हमें क्या करना है, एफ टी की वैल्यू रखना है, जो कि हम जानते हैं क्या होती है, जो हमारी म्यू इंटू आर एन होती है उसको रख देंगे, और आर एन कॉमन ले लेंगे। तो फ्रेंड जैसा मैंने ऊपर बताया था उसमें हमने क्या बताया कि सिर्फ हमें साइन चेंज करना है, तो हमने साइन चेंज करके क्या किया, सिर्फ वैल्यू वैसे वैसे रखते गए, यहाँ पर देखा आर एन, तो आर एन कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस म्यू हो जाएगा, इक्वल में पी एल हो जाएगा। हमें आर एन की वैल्यू निकालेंगे तो पी एल अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू हो जाएगा। तो आर एन हमने यहाँ निकाल लिया, पी एल अपॉन एक्स माइनस म्यू, पी एल अपन जानते पी क्या फोर्स है, एल क्या डिस्टेंस है, जबकि एक्स क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो तक की डिस्टेंस है, म्यू क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये क्या है जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स है उसकी नीचे तक की डिस्टेंस है। अब इसको हम कहाँ रखते हैं, सीधा ब्रेकिंग टॉर्क की फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो मैं ऊपर अच्छी तरह समझा चुका हूँ, सेम का सेम यहाँ पर प्रोसीजर करना। तो फ्रेंड उसी तरह मैंने ब्रेकिंग टॉर्क रख दिया, टीवी इज कॉल्ड म्यू इंटू आर एन टू आर फॉर्मूला था, जो आर क्या होता है रेडियस होती ड्रम की, जबकि आर एन क्या होता है जो मैंने फॉर्मूला ऊपर निकाला हुआ है, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करके रख लिया, म्यू पी एल आर ऊपर रख दिया और नीचे वाली वैल्यू नीचे रख दिया। सिंपल हमने बताया आपको ऊपर जो सेकंड कंडीशन की उसमें सिर्फ हमें साइन परिवर्तन करना, अब इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन होगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो फ्रेंड जो सेकंड कंडीशन लगाई हुई थी उसी में देखेंगे आप, तो वहां पर मैंने माइनस लिया था, यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह निकालना हमें ओके अबाउट मूवमेंट लेना, यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, ये डायग्राम चेंज कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ये पहिए देख रहा है मूव हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह पाथ जनरेट हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखें आर एन इंटू एक्स, मतलब जो आर एन जो नॉर्मल फोर्स है उसकी इस पॉइंट के अबाउट एक्स डिस्टेंस हो गई, मूवमेंट निकाल लिया, प्लस ये जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स है जब इसकी डायरेक्शन इधर को हो गई तो इसके अबाउट क्या होगी, डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, मतलब इसकी टेंजेंशियल फोर्स की और जो हमारा फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एफ टी इंटू ए, क्योंकि इस तरफ होगा तो माइनस को होगा, तो माइनस का इधर होगा तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट इस तरफ लेके रख दिया, क्योंकि इसको हम हमेशा इक्वल में लेके चल रहे हैं। पी इंटू डिस्टेंस हो गई इसकी, मतलब फोर्स इंटू ओ तक की डिस्टेंस क्या है, एल है। अब इसको सिंप्लीफाई करना सीधा, हमें एफ टी इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, म्यू इंटू आर एन होता, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और आर एन कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस म्यू हो गया इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा फोर्स इंटू उसकी लेंथ। अब यहाँ आर एन निकालेंगे तो ये वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, जस्ट नीचे पहुंच जाएगी। तो इस तरह फ्रेंड्स मैंने क्या किया, आर एन इक्वल टू पी एल अपॉन एक्स प्लस म्यू निकाल लिया, ये मैं वैल्यू एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर ये डिस्टेंस है एक्स ए और एल अलग अलग फोर्स की पोजिशन में। अब फ्रेंड्स सेम हमने ब्रेकिंग देखा, हमने क्या किया, सिर्फ जो हमने सेकंड पोजीशन देखी थी उसमें देखा था यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सिर्फ हमें अपोजिट करना, वैसे ही ब्रेकिंग टॉर्क को डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिर्फ हमें क्या करना, साइन को अपोजिट लिख के, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऊपर समझा चुका हूँ किस तरह ब्रेकिंग टॉर्क निकालते हैं, किस तरह नॉर्मल रिएक्शन किसी पॉइंट के अबाउट लेके निकालते हैं। तो फ्रेंड इस तरह जैसा मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला म्यू इंटू आर एन इंटू आर होता है, आर एन की जगह हमें इस वैल्यू को, जो आर एन की वैल्यू हम मूवमेंट निकाल के निकालते हैं, उसको सीधा पुट कर देते हैं, यहाँ पर इसको रख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पर म्यू पी एल आर अपॉन एक्स प्लस म्यू ए। तो आपको सेकेंड और थर्ड पोजिशन है, सिर्फ सेकेंड समझना है, अगर आपको सेकेंड समझ में आ गई होगी किस तरह मूवमेंट लेते हैं, तो आपको थर्ड को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पोजिशन इस डायग्राम बनाना है कि किस तरह ए ऊपर पोजिशन में, और साइन जो हमें याद रखना है, ए जो साइन रहते हैं प्लस माइनस, इसको चेंज करना है,
ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।